हे हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा मोटर्स की क्या क्या क्राइटेरिया है, सीएमए कैंपस में क्या पैकेज ऑफर करती है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला आपके लिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूले। सो आप जितना ज्यादा लाइक कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतनी ज्यादा आपके लिए वीडियोज लेके आऊंगा। सो मैं स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर आपके साथ। तो ये है मेरे पास टाटा मोटर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन जो सीएमए कैंपस 2022 का है। अभी जो रिसेंट कैंपस प्लेसमेंट हुआ है उसमें क्या क्राइटेरिया थे टाटा मोटर्स की, क्या सैलरी पैकेज ऑफर किया, वो आपके सामने। सो आपको जो डिजिग्नेशन मिलता है सीएमए ट्रेनिंग का मिलेगा, लोकेशन पैन इंडिया वाइज आपका लोकेशन, इतने से आपको इंडिया में कहीं भी जॉब दिया जा सकता है। आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप किसी पार्टिकुलर सिटी स्टेट को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। क्राइटेरिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे शायद इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर पा रहे होंगे। मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए एंड अबव थ्रू आउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल। सो 10th 12th के भी मार्क्स टाटा मोटर्स आपकी कंसिडर करेगा। इसके अलावा कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सीबल फॉर ए जॉब लोकेशन, वो आपको लिखा हुआ है। यानी सीएमए के ऊपर इनका ज्यादा फोकस नहीं दिया इन्होंने कि सीएमए में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है। यहाँ पे मिनिमम 60% लिखा हुआ है थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, सीटीसी की बात करें तो 10 लाख पर एनम की आपकी सीटीसी होगी। यहाँ पे सीटीसी और इन हैंड सैलरी में डिफरेंस होता है। सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी है, कंपनी के लिए क्या कॉस्ट होगी अगर कंपनी आपको हायर करती है, एंड इन हैंड सैलरी इज अ डिफरेंट थिंग। सो इसके बाद अगर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की तो यहाँ पे दो टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको प्लांट लोकेशन के लिए हायर करते हैं तो डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको नॉन प्लांट के लिए हायर किया जाता है तो आपके लिए डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो अगर हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन बात करें प्लांट की तो प्लांट के लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको प्रिपरेशन ऑफ मंथली MIS है, कंप्लायंस है, कंप्लीशन ऑफ बजट है, प्रोजेक्शन फॉर द बिजनेस यूनिट है, प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली एनालिसिस है, ये सारी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिक्सेशन है, प्राइस फिक्सेशन है, डेवलपमेंट करना है आपको, स्ट्रेटजी बनाना है, न्यू प्रोडक्ट बिजनेस केस प्रिपरेशन है, ये सारी रिलेटेड टू नॉन प्लांट है। अगर आपको प्लांट में भेजा जा रहा है तो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है एज पर कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। सो ये सारी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी। ये सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोज को शेयर करें। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।